अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर माशरीका सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। आज हम आपसे बात करेंगे बीबी ग्लो के बारे में। आपने उसका नाम भी सुना होगा मेरा ख्याल है। और बेसिकली हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम ये करते हैं कि हम ऐसी चीज़ को इन्फ्यूज कर देते हैं आपकी स्किन में, स्किन की अपर लेयर्स में, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर भी मेंटेन रहता है और उसमें एक ग्लो और शाइन भी रहती है। अब हम बात करते हैं कि ये हम करते किसके थ्रू हैं। इसको हम डर्मा पैन के थ्रू करते हैं। पहले स्किन के ऊपर डर्मा पैन किया जाता है और फिर उसके बाद इसका जो भी सोल्यूशन होता है उसको स्किन में इन्फ्यूज कर देते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये पेनफुल है। पेनफुल तो नहीं होता, बट स्लाइट सा डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम पहले जो है वो लगा देते हैं एनेस्थेटिक क्रीम। जब आपकी स्किन सुन हो जाती है तो उसके ऊपर फिर ये प्रोसीजर कर देते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन कि ये एक ही दफा करते हैं। अगर तो आपकी स्किन जो है उसकी कंडीशन अच्छी है और आप किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं या किसी ऐसे क्या कहते हैं आपका कोई ओकेजन है जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो अच्छी लग रही हो, तो आप इसको एक दफा भी ले सकते हैं अपने फंक्शन से पहले। लेकिन अगर आप अपनी स्किन के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इसको लेना चाहते हैं तो फिर हम एटलीस्ट 3-4 सेशंस करते हैं। ये कितनी देर तक आपकी स्किन को वैसे ही रखेगा, ये तकरीबन आपकी स्किन को जो है वो 4-5 महीने जो है वो इसी तरह से रखेगा। आपको साथ में डूज एंड डोंट्स बता दिए जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते स्किन के ऊपर, और ये इतना चल जाता है, 4 महीने आसानी से गुजर जाते हैं। लाइक अगर हमने 3 सेशंस दिए हुए हैं पेशेंट को तो 4 मंथ्स उसके उसी तरह से मोस्ट लाइकली गुजर जाते हैं। आपको डूज एंड डोंट्स बताएंगे, वो आपने जो नहीं करना वो नहीं करें और जो करने के लिए कह देंगे दैट यू कैन डू। ये किस लिए किया जाता है? ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत पतली है और बहुत जल्दी आपकी जो टोन है वो ख़राब हो जाती है, या आपकी स्किन जो है उसके अंदर अपना शेड आता है, जैसे नीचे से वेंस नज़र आ रही हैं या फिर नीचे से जो है वो आपको ब्लू ह्यू नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नज़र आता है, फिर यहाँ पे जो है वो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं तो रेडिश ह्यू आता है। अब वो वाली चीज़ ऐसी है कि ये आपकी नेचुरली स्किन ही ऐसी है, तो हम इसको एक कवरेज दे देते हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो इवन भी लगेगी और उसके अलावा इसके अंदर एक हेल्दी ग्लो भी होगा। कौन करवा सकता है? कोई भी करवा सकता है, मेल फीमेल यंगस्टर्स ओल्ड एज कोई भी करवा सकता है, इसमें कोई एज लिमिट है ही नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्किन जो है वो सारा वक्त आपको फ्रेश और हेल्दी और इवन टोन जो है वो नज़र आएगी। नेवरदलेस इसके ऊपर सनब्लॉक भी लगाना है आपने। सनब्लॉक आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा क्योंकि हमने नहीं लगाना। अगर कोई मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है स्किन को तो वो भी लगाना पड़ता है। और इसको करवाने के बाद जो मैंने आज आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आई थिंक उससे आपको आपकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी कि ये क्या होता है और इसको करवा के आप क्या हासिल कर सकते हैं या आपकी स्किन जो है उसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिल सकती है, प्लस उसके साथ साथ आपकी लुक कितनी इम्प्रूव होगी वो भी आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ साथ ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो हर वक्त हेल्दी और ग्लोई आपको नज़र आ रही होती है। कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन जो है वो इवन हो और हेल्दी हो और उसके अंदर से शाइन निकल रही हो और बहुत एक मज़े का ग्लो जो है वो आपकी स्किन के ऊपर हो। होपफुली आज आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है और जो आपके क्वेश्चन या क्वेरीज इसके बारे में होंगी वो क्लियर होती होंगी।